दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज के बारे में बता रहा हूँ। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टरडेम में खुला। पुल की लंबाई करीब 40 फीट है। यह 6 टन की स्टेनलेस स्टील संरचना है। इसे डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विशेषज्ञों के एक संघ के सहयोग से विकसित किया गया था। 4 साल के विकास के बाद नेदरलैंड की महारानी मैक्सिमा द्वारा पुल का अनावरण किया गया था। यह एम्स्टरडेम के शहर के केंद्र में सबसे पुरानी नहरों में से एक पर स्थापित किया गया था। इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को बनाया है एक रोबोट ने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मार्क गिरोलामी ने लंदन स्थित एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट में इस ब्रिज का डिजिटल मॉडल बनाया था। हमारा दूसरा तथ्य, 13 वर्षीय स्केटबोर्डिंग की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता। 13 वर्षीय स्केटबोर्डिंग सनसनी मोमीजी निशिया जापान की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई, क्योंकि उन्होंने सोमवार को एरिया के अर्बन स्पोर्ट पार्क में 2020 ओलंपिक की महिलाओं की स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीती। निशिया ने फाइनल में ब्राज़ील की पसंदीदा रायसा लील और मौजूदा विश्व चैंपियन टीम के साथी औरी निशिमुरा को हराया। निशिया ने 15.26 अंकों के साथ ट्रिक सेक्शन में बड़े स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक जीता।